मंजू जी राजेंद्र जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मंजू जी स्टार्ट कर सकते हैं। आराध्य के चरणों में नमन। आज का ये सेशन हम नमस्कार महामंत्र से शुरू करते हैं। पूरी तन्मयता, दोनों हाथ जुड़े हुए। ओम रीम नमो अरहंताणं। ओम रीम नमो ॐ ॐ नमो आयरियाणं। ॐ ॐ नमो उवैजायाणं। ॐ ॐ नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमुकारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणं च सवसि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। त्रिपदी वंदना करेंगे। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे ओम अरहम। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आज हमारा सेशन है मेडिटेशन ध्यान। आज ध्यान में हम प्रेक्षा ध्यान का अनूठा जो टेक्निक है अनुप्रेक्षा, उसका प्रयोग करेंगे। आज का हमारा विषय है आत्मानुशासन। जैसे अनुशासन की बात आती है, हम दूसरों पे अनुशासन करना चाहते हैं, पर आचार्य श्री तुलसी ने क्या कहा, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो अनुशासन वो चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है ना? और मनुष्य के लिए आत्मानुशासन की बात क्यों कही गई, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर प्रकृति के सारे जीव, जितने भी जीव हैं, वो सब प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें करना ही होता है, वो उसका करते ही हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसके अपने नियम, अपना कानून, अपना ही अनुशासन। अब जब मनमानी की बात आ जाती है, तो देखिए, जब हम ऐसा काम करे जिससे किसी दूसरे को कुछ प्रभाव न पड़े, तब तक तो है ठीक। लेकिन हम अपने ऐसे नियम बनाए जिससे दूसरा बेचारा नियमों से हटता चला जाए, तो फिर हमारी मनमानी नहीं चल सकती है। तो एक व्यवस्थित जीवन व्यवस्था के लिए, स्वयं का जीवन और दूसरों का जीवन, हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो अनुशासन का व्यवहारिक अर्थ मैं कहूं तो नियमों पर चलना, स्वयं को अपने नियमों पे चलाना,
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, निजी स्तर पर हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या देश हो, या संसार ही हो, पूरा विश्व हो, हमें कुछ नियमों का पालन करना ही होता है, हमें अच्छा लगे या नहीं। लेकिन आत्मानुशासन वो है जो आपको अपने स्वयं के व्यक्तिगत स्तर पर आपको महान बनाता है, मानव से महामानव की ओर ले जाता है और आपके अपने जीवन को अच्छा बनाता है। तो व्यवहारिक स्तर पर मैं कहूँ तो नियमों पे चलना, जो नियम बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा बने हुए हैं या प्रकृति के द्वारा बने हैं, उन पे चलना। तो आत्मानुशासन व्यवहारिक दृष्टि पर जो जहां हम ये बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो आत्मा का अनुशासन, आत्मा को जो स्वभाव है, हम जहां विभाव में जी रहे हैं, आत्मा को अपने स्वभाव की ओर प्रेरित करना, जिन नियमों से आत्मा अपने स्वभाव की ओर जाए उसे भी हम आत्मानुशासन कहते हैं। तो आत्मानुशासन क्या है, कैसे है, अनुप्रेक्षा के द्वारा कैसे हम अपने आप में आत्मानुशासन को पुष्ट करते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से प्रेक्षा ट्रेनर श्रीमती सुनीता जी जैन। वो एक टीचर भी रह चुकी हैं और बहुत कुशल प्रेक्षा ट्रेनर है, जो ध्यान के साथ साथ योगासनों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है, लेकिन आज वो हमारे साथ जुड़ी है मेडिटेशन के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सुनीता जी जैन फ्रॉम कोलकाता। ओम आरम, स्वागत है आपका एमपी के फिटनेस के इस मंच पर। थैंक यू मंजी जी। ओम आरम, ओम आरम, ओम आरम। आज का हमारा विषय है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन को जानने से पहले हमें जानना होगा अनुशासन क्या है। अनुशासन एक ऐसा साधन है, महत्वपूर्ण साधन है, इससे हमारे आचरण और गुणों का सुविकास होता है। अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन रखकर अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। अनुशासन किसी भी संस्थान को व्यवस्थित बनाए रखता है। व्यक्तिगत अनुशासन जब व्यक्ति में समुचित विकास, विवेक का विकास हो जाता है, तब उसे स्वयं ही पता चल जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नियमित है और क्या अनियमित है। वह स्वयं ही उचित और नियमित का चुनाव कर लेता है। इसमें किसी भी बाहरी नियंत्रण और दबाव को थोपा नहीं जाता है, इसीलिए इसको आत्मानुशासन या आत्मनियंत्रण कहते हैं। अनुशासन हर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और अनुशासन मनुष्य को एक ऊंचे स्तर पर ले आता है। बिना अनुशासन के मनुष्य भी पशु के समान ही होता है। ईश्वर ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, वो है विवेक शक्ति, जिसके द्वारा वह अच्छा और बुरा का निर्णय कर सकता है। अनुशासन में जीवन ही सफल, समृद्ध, सुखद और शांतिमय होता है। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, नीच पर शासन फिर अनुशासन। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति खुद को खुद अनुशासित होता है, वही दूसरों पर शासन कर सकता है। 13 पंथ संघ इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर आचार्य आत्मानुशासित होते हैं, जो नीच पर शासन फिर अनुशासन की परिभाषाओं को भाषित करते हैं। 13 पंथ यहाँ पर तभी एक गुरु इतने बड़े संघ को संचालित कर सकते हैं। 13 पंथ की यह एक विलक्षण प्रतिभा है, तभी कहा जाता है।
एक गुरु और एक विधान, तेरा पंथ की यही पहचान। इसका मूल कारण क्या है? आत्मानुशासन ही इसका मूल कारण है। तो आत्मानुशासन क्यों आवश्यक है यह भी जाने। भगवान महावीर ने अपने शिष्य गौतम से कहा, तू आत्मानुशासन में आ, अपने आप को जीत, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। कामों, इच्छाओं और भावनाओं को जीत, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। तू भेद में अभेद देख, जीवों में समता देख, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। कसाय विजय, काम विजय, इंद्रिय विजय और साम्य दर्शन, ये दुख मुक्ति के मार्ग है। आत्मा वशीकृतो एन तेनात्मा विदितो ध्रुवम, अजितात्मा विदन सर्वमपि नात्मान मृच्छति। जिसने आत्मा को वश में कर लिया, उसने वास्तव में आत्मा को जान लिया है। जिसने आत्मा को नहीं जीता, वह सब कुछ जानता हुआ भी आत्मा को नहीं पा सकता है। तो प्रश्न उठता है, आत्मा को वश में कैसे किया जाए, आत्मा पे नियंत्रण कैसे करे। आचार्य श्री तुलसी ने एक ग्रंथ लिखा, मनोनुशासन, मन पर हमारा अनुशासन, मन को विकसित करना, दीक्षित करना और शिक्षित करना, अपनी क्रियाओं, शब्दों, मन और भावों को अनुशासित करना ही आत्मानुशासन होता है। जिस व्यक्ति में जितनी शक्ति का नियंत्रण का विकास, शक्ति के नियंत्रण का विकास होता है, उसमें उतना ही आत्मानुशासन का नियंत्रण होता है या आत्मानुशासन विकसित होता है। भगवान महावीर ने हमें यह भी बताया, आत्मनियंत्रण के लिए सबसे बाधा भोजन करता है। अर्थात जब भी हम आत्मनियंत्रण या आत्मानुशासन का अभ्यास करें, तो हमें उपवास और अनशन से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हम दूसरा सूत्र बताया उन्होंने, शरीर, हम हमारे शरीर को साधे, यह बहुत ही आवश्यक है। जब तक स्नायु को नई आदतों के निर्माण का अभ्यास नहीं दिया जाता है, तब तक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। हमारी पुरानी आदतें एक चक्र में चलती रहती है। जैसे मिठाई खाने की जब आदत होती है, तो समय आते ही अपने हमारे स्नायु उसकी मांग करने लगती है। तो हमें अपनी आदतों को बदलने का एक अभ्यास करना होगा, तभी हम अपनी आदतों को बदल सकेंगे। और जब तक हम अपनी आदतों को बदलने का अभ्यास नहीं करेंगे, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकेगा। अपने नकारात्मक भावों के प्रतिपक्ष सकारात्मक भावों को अचेतन मन तक पहुंचाकर ही हम अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में एक ऐसी पद्धति के बारे में बताया, जिससे हम अपने मन, विचार और भावों को बदल कर आदतों को बदल सकते हैं। वह पद्धति है अनुप्रेक्षा। आज हम आत्मानुशासन की अनुप्रेक्षा करेंगे और अपने स्वभाव में आत्मानुशासन का विकास करेंगे। यदि हम आत्मानुशासन का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो हमारे भीतर आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण का विकास हो जाएगा। तो आज मैं आप सभी को आत्मानुशासन की प्रक्रिया अनुप्रेक्षा के द्वारा करवाती हूँ। आप सभी करें और इसका प्रतिदिन आप अभ्यास कर अपने आप में आत्मानुशासन का विकास कर सकते हैं। और निरंतर अभ्यास से इसका
आप इसके बारे में आप अनुभव भी कर सकेंगे जब आप इसका निरंतर अभ्यास करें। तो आइए अब हम अनुप्रेक्षा करते हैं आत्मानुशासन की। सभी इसके लिए तैयार हो जाए। आत्मानुशासन की अनुप्रेक्षा करने के लिए सबसे पहले हम एक आसन का चुनाव करेंगे। तो सभी उस आसन का चुनाव करें जिसमें आप लंबे समय तक स्थिर रह सकें। जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। मुद्रा, वीत राग मुद्रा, दोनों हाथों नाभि के नीचे स्थापित करें, बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर। ध्यान मुद्रा, आंखों को कोमलता से बंद करें। महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास हम अनुलोम विलोम की विधि के साथ करेंगे। हम अनुलोम विलोम के लिए बाएं नथुने से श्वास को भरेंगे और श्वास को दाएं नथुने से छोड़ेंगे। छोड़ते समय हम महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। तो सभी मेरे साथ करें, श्वास भरे, बाएं नथुने से श्वास भरे, बाएं नथुने को बंद कर श्वास को दाहिने नथुने से महाप्राण ध्वनि के द्वारा के साथ छोड़े। अब दाहिने नथुने से श्वास को भरें, दाहिने नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से श्वास को महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़ें। बाएं नथुने से श्वास पुनः भरे, और दाएं नथुने से महाप्राण ध्वनि के साथ श्वास को छोड़े। इस क्रम को हम 5 बार करेंगे। सभी करें।
आखिरी बार भाई न थोड़े से श्वास भरे और दाएं न थोड़े से श्वास को महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़े। दाएं नथुने से श्वास को भरे और बाएं नथुने से श्वास को महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़। गायोत्सर्ग शरीर को शिथिल और स्थिर करे, प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर करे, हलन चलन ना करे, पूर्ण स्थिरता पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया हमारा पूरा शरीर शिथिल हो गया। यह कायोत्सर्ग की मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। अब हम पीले रंग का श्वास लेंगे, अनुभव करेंगे
हमारे चारों तरफ पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें, श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, पीले रंग के परमाणु श्वास के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शक्ति केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करें। हमारे मस्तक का अग्र भाग अर्थात ये भाग शांति केंद्र है। शांति केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करेंगे। शांति केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। शांति केंद्र मस्तक के अग्र भाग पर पीले रंग का ध्यान करें। शांति केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। इस शब्दावली का उच्चारण करें 9 बार। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। अब मानसिक जप करेंगे। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, नियंत्रण की क्षमता
नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही, मन की चंचलता कम हो, नियंत्रण क्षमता बढ़ रही, मन की चंचलता कम हो, नियंत्रण बढ़ रही, मन की चंचलता नियंत्रण की क्षमता मन की चंचलता नियंत्रण की क्षमता मन की चंचलता नियंत्रण की क्षमता मन की चंचलता मन की चंचलता अनुचिंतन करें, अनुशासन या नियंत्रण से के बिना समाज नहीं चल सकता। जब आत्मनियंत्रण सशक्त होता है तब बाहरी नियंत्रण की अपेक्षा कम होती है। आत्मनियंत्रण की शिथिलता होने पर बाहरी नियंत्रण की मात्रा बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहती हूं कि बाहरी नियंत्रण के द्वारा मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। अनुचिंतन करें, अनुशासन या नियंत्रण के बिना समाज नहीं चल सकता है। जब आत्मनियंत्रण सशक्त होता है तब बाहरी नियंत्रण की अपेक्षा कम होती है। आत्मनियंत्रण की शिथिलता होने पर बाहरी नियंत्रण की मात्रा बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहती हूं कि बाहरी नियंत्रण के द्वारा मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। अपने पर अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। इस सत्य को मैंने समझा है, इसलिए मैं संकल्प करती हूँ कि मैं आत्मानुशासन का विकास करूंगी। अनुचिंतन करें, अनुशासन या नियंत्रण के बिना समाज नहीं चल सकता है। जब आत्मनियंत्रण सशक्त होता है तब बाहरी नियंत्रण की अपेक्षा कम होती है। आत्मनियंत्रण की शिथिलता होने पर बाहरी नियंत्रण की मात्रा बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहती हूं कि बाहरी नियंत्रण के द्वारा मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। अपने पर अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। इस सत्य को मैंने
समझा है, इसलिए मैं संकल्प करती हूँ कि मैं आत्मानुशासन का विकास करूंगी। अनुचिंतन करें, अनुशासन या नियंत्रण के बिना समाज नहीं चल सकता। जब आत्मनियंत्रण सशक्त होता है तब बाहरी नियंत्रण की अपेक्षा कम होती है। आत्मनियंत्रण की शिथिलता होने पर बाहरी नियंत्रण की मात्रा बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बाहरी नियंत्रण के द्वारा मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। अपने पर अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। इस सत्य को मैंने समझा है, इसलिए मैं संकल्प करती हूँ कि मैं आत्मानुशासन का विकास करूँ। आत्मानुशासन का विकास करूँ। महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान को संपन्न करें। श्वास भरें, छोड़ते हुए भंवरे की तरह नाक करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि करें। उन्हें श्वास करें। उन्हें श्वास भरें। ध्यान संपन्न हुआ। इस तरह आत्मानुशासन की अनुप्रेक्षा के द्वारा हम हमारे भीतर आत्मनियंत्रण का विकास कर सकते हैं। आप सभी इसे प्रतिदिन कर अपने भीतर आत्मानुशासन का विकास करें। ओम अर्थ। ओम अरहम। ओम अरहम। शायद मंजू जी का प्रॉब्लम लगता है। ओ सर, बहुत सुंदर पे आ गए। नहीं, मैंने पूरा सुना है, बहुत अच्छा करवाया प्रयोग। तो आप लोगों के पहले फीडबैक जान लेते हैं, किसी की कोई जिज्ञासा है तो। सबको अनम्यूट करती हूँ मैं अभी। अभी सब अनम्यूट हो गए। जय जिनेन्द्र। सुनीता जी, मैं ही स्टार्ट करती हूँ। बहुत सुंदर प्रयोग करवाए आज आपने आत्मानुशासन का। बहुत सुंदर लगा। अपने आप पे नियंत्रण, बहुत सुंदर तरीके से दिया। सुचेता जी, मैं चाहूंगी आत्मानुशासन के बारे में आप भी कुछ बोले दो लाइन। आत्मानुशासन तो नहीं, बहुत वैसे तो आपकी
नहीं बोल पाऊंगी। जय जिनेंद्र। चलिए और किसी की कोई जिज्ञासा है या फीडबैक देना चाहेंगे? कोई भी अगर कुछ कहना चाहे पूछ सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं आत्मानुशासन के विषय में। डॉक्टर अनीता जी भी है ना ज्वाइन? हाँ है। वो भी नहीं, वो भी बोल सकते हैं। मनोज गांधी, दीपा जी, सब बोल सकते हैं। बोलो सर। चलिए मैं ही बोलती हूँ। हाँ बोल दो अभी। अभी आप सभी ने आत्मानुशासन की अनुप्रेक्षा की। अनुप्रेक्षा का अर्थ आप जानते ही हैं। अनुप्रेक्षा में हम किसी भी एक ऐसे विषय को चुनते हैं जिसके द्वारा हमें अपने आप को भावित करना है। हम सब अपनी कमजोरी जानते हैं, है ना, कि हम कहाँ हम सह नहीं पाते हैं, या हमें क्रोध अधिक है, या हमें मोह अधिक है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, पर हम क्या कहते हैं, चाहते हैं बदल जाए लेकिन बदल नहीं सकते हैं। तो आत्मानुशासन, आत्मानुशासन केवल नियमों पर चलना नहीं है ना। आत्म यानी स्वयं, हमारा स्वयं का जीवन क्या है, जो हमारे जीवन के सात एलिमेंट है, सात तत्वों से जब हमारा जीवन बनता है, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म, चेतना, ये जो सात तत्व है इनका संतुलित होना ही जीवन है। इनकी कार्यकलाप या इनकी शक्ति या इनका जो स्वभाव है उसको संतुलित रखना ही जीवन, सही जीवन है, और तभी हम अपने जीवन को सही रूप से जी सकते हैं। तो जैसा कि सुनीता जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि अव्यवस्था में से व्यवस्था में जाने के लिए अनुशासन जरूरी है। तो अगर मैं अपने शरीर को, अपने जीवन को एक फैक्ट्री की तरह अगर मानूं कि हाँ ये एक संस्थान है, एक फैक्ट्री, एक इंस्टीट्यूट है, तो इस इंस्टीट्यूट को सही ढंग से चलाने के लिए इसके हर फील्ड को हमें क्या करना है, संतुलित करना है, उसको अनुशासन में रखना है। वहां कुछ नियम हमें अच्छे या बुरे की कोई बात नहीं होती है, कुछ नियम है जो हमें मानना है, जहां सही गलत अच्छे बुरे ऐसा हम कुछ नहीं सोचते हैं। वो जीवन, वो नियम हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। अगर हम उन नियमों को नहीं पालते हैं तो हम कितनी कोशिश करें कि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, सफलता आए, लेकिन वो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं होती। तो हमें उन नियमों को मानना ही होता है। तो जहां आत्मानुशासन की बात है तो शरीर, शरीर को अपने नियमों से चलाना, तो शरीर के क्या नियम हुए, नियम से सोना, नियम से उठना, जितने खाना है ना, खाना पीना, सिर्फ इतना ही नहीं, सोना, उठना, जागना, खाना पीना ही नहीं, जितनी इसको कार्य करना चाहिए, शारीरिक श्रम की आवश्यकता है उस श्रम को भी करना, हर पल जागरूक कर रहे हैं तो भी आप अपने क्या कर रहे हो, आपका वो अनुशासन क्या हो रहा है शरीर के प्रति। जितनी दिमाग के श्रम की जरूरत है दिमाग का करिए, यानी मेंटल, मन, बुद्धि, जितनी शरीर की आवश्यकता है शारीरिक श्रम की उतना उसको भी करना होता है, वो भी अनुशासन है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए शरीर के बाद अगर मैं देखूं तो दूसरा आ जाता है प्राण, है ना, प्राण को भी संतुलित, तो हमें प्राणायाम की जरूरत है,
ताकि जो इम्बैलेंस है प्राण का वो बैलेंस हो जाए। श्वास प्राण का अनुशासन ही प्राणायाम है, तो वो भी जीवन की जरूरत है क्योंकि ये आवश्यक तत्व है। तीसरा आ जाता है श्वास, बिल्कुल ब्रीथ हम जानते ही हैं कि हमने कितनी बार हमारे इस मंच पे सेशन हो चुके हैं कि ब्रीथ को स्लो कर लेने से, संपूर्ण ब्रीदिंग से कैसे हम पूरी ऊर्जा शरीर के स्तर पर पाते हैं, कैसे मन और भावों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो श्वास का अनुशासन है। उसके बाद आ जाता है मन, तो मन उसके साथ जुड़ गए हैं जहाँ हमने विचार की बात कर ली। भाव, भाव नियंत्रण, जैसे सुनीता जी ने भी बताया कि भाव हमारा आधार है, उसी के जैसे भाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलता है। तो घुमा फिरा के जो सबसे ज्यादा अनुशासन की जरूरत है वो है हमारे भाव, भावों को नियंत्रित कर लेना। भाव होना जरूरी है, बिना भाव के जीवन को मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर हर जगह हम तटस्थ होके बैठ गए तो जीवन की गाड़ी क्या होगी। हमारे अपने लेवल पे तो उच्च स्तर पे चली जा सकती है, लेकिन समाज के, देश के, परिवार के स्तर पर हमें भावों की जरूरत होती है क्योंकि वो हमारा मोटिवेशनल फैक्टर है जीवन को चलाने, कार्य को करने का। लेकिन वह अगर नियंत्रण नहीं होता है तो गाड़ी क्या होता है, जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, एक्सीडेंट्स भी आते हैं। तो हमें हर जगह नियम अनुशासन की आवश्यकता है। अगर अनुशासन नहीं है तो हम जीवन में कुछ महान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाता है। जिस तरह पशु प्रकृति के नियम पे चलते हैं, हम मनुष्यों ने भी उनको क्या कर लिया है, नियंत्रण में ले लिया है, चाहे वो शेरी क्यों नहीं हो, उसे भी हमने पिंजरे में बंद कर लिया है। तो अगर हम भी नियम नहीं मानेंगे, अनुशासन से नहीं चलेंगे, तो हमें भी दूसरों के नियम में चलना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं हमारे पास। और जो आत्मा निरंतर मुक्त होने के लिए प्रयासरत है, जिसका अंतिम ध्येय हमारी सारी क्रियाएं अपने आप को मुक्त करने के लिए, पूर्ण शक्ति संपन्न बनाने के लिए, पूर्ण ज्ञान संपन्न बनाने के लिए, क्यों, ताकि हम मुक्त हो सके, हम पे कोई नियम न रहे। तो ये जो मुक्ति है ये हमारा स्वभाव है। जो दूसरों का अनुशासन है उससे मुक्त होने के लिए हमें आत्मानुशासन को फलित करना होगा, और आत्मानुशासन को फलित करने के लिए हमें अपने आप पे ही अंकुश लगाने होंगे, जीवन के नियमों को समझना होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आत्मानुशासन कहने से हो जाएगा, नहीं, हमें जीवन के नियमों को समझना होगा, हर स्तर पर समझना होगा। जब हम उन नियम, जीवन के नियमों को समझेंगे तभी हम अपना पाएंगे खुशी खुशी। वरना क्या होगा, आत्मानुशासन करना भी हमें क्या लगेगा, एक जंजाल लगेगा, ओहो जीवन से तंग आ गई, ये मानो वो मानो, ये करो वो करो, सुबह उठ के आज योगासन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये क्या है, आज मन नहीं है, सोने का मन है, मैं क्यों करूं ये अनुशासन अपने आप पे। तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये नियम क्यों जरूरी है, हमें आत्मानुशासन भी बंधन लगेगा, जबकि वो बंधन नहीं मुक्ति का द्वार है। बिल्कुल आत्मानुशासन मुक्ति का द्वार है, दूसरों से भी मुक्ति, अपने कर्मों से भी मुक्ति। तो आत्मानुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको मैं कहूं कि महत्वपूर्ण नहीं, होना ही चाहिए, अवश्यम भावी, आवश्यक अंग है हमारे जीवन का। तो हम ठीक है, सब में कमी है कुछ ना कुछ, बिल्कुल सब में कमी है, कहीं ना कहीं हम तस्मीन हो ही जाते हैं। दूसरों के सामने भले ही हम अपना अनुशासन दिखाएं, लेकिन खुद के स्तर पर हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रमाद आ जाता है जीवन में। तो हम कोशिश करें कि जीवन से के प्रमाद से मुक्त हो सके, आत्मानुशासन में चल सके, और जिस दिन खुद पे खुद का कंट्रोल न कर पाए उस दिन खुद से खुद को पनिशमेंट भी दें। जब खुद से खुद को पनिशमेंट देना सीखेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप से डरेंगे। अपने आप से डरना मतलब जीवन के दुख से डरना, पाप से डरना, ये अपने आप से डरना। तो हम हमारे जीवन में आत्मानुशासन दिन ब दिन बढ़ता जाए, ताकि दूसरों का अनुशासन हटे, हमारी आत्मा भी मुक्त हो, हम भी मुक्त हो, तो ये प्रयास सभी करें। मैं चाहूंगी
कि किस किस लेवल पे आप कब कब आत्मानुशासन से विमुख होते हैं कभी कभी, सभी अपना अपना अनुभव बताएं। ये अपना मंच है, अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारी बदलने की शुरुआत हो जाती है। तो बताइए कब ऐसा हुआ कि आपको सुबह की क्लास करने का मन नहीं, ये जानते हुए भी कि योगासन प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है, ये आत्मानुशासन का ही एक अंग। चलिए अगर कोई अपने जीवन का अपना अनुभव शेयर करना चाहे। अब हम क्लास अटेंड करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। कई तरह की मतलब इसमें ज्ञान बहुत मिलता है इस क्लास में, हर तरह का। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई अपना अनुभव शेयर करें जहाँ हम जानते हुए भी प्रमाद करते हैं, और रोज होती होगी ये बात, बिल्कुल होती होगी ये बात, रोज हमारे जीवन में होती है ना रोज। अगर कोई सामने से नहीं सुनता है, बोलते हैं हम लोग कि ये करना है, नहीं सुनते तो प्रमाद वर्ष बोल जाते हैं, क्रोध होता है, होता है, बहुत बार होता है। जब भी बच्चों को उठाते हैं नहीं सुनते हैं, जब भी कोई भी बात अगर बोलते हैं तो नहीं सुनते तो हो जाता है। चाहते हुए भी अपने आप पे आत्मानुशासन नहीं कर पाते, लेकिन उसके अगर हमें गिल्ट है कि हाँ देखो जब मैं ही अपने आप को अनुशासित नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे कहाँ आ गया दूसरों को कहने का, चाहे भले मेरे बच्चे ही हो, चाहे मेरा परिवार ही हो, तो ऐसा सोचने से क्या होगा, हमारे हर फील्ड में अनुशासन आना शुरू हो जाएगा। तो जो मैं और मेरा, जो दो हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रमाद है, वो धीरे धीरे जीवन से क्या होंगे, हटते चले जाएंगे। तो सुनीता जी अगर आप भी कुछ और कहना चाहें, मैं चाहूंगी आप भी अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिसको मैं शेयर कर सकती हूँ। कई बार जैसे बच्चों के साथ भी बात होती है तो उनको यदि हम ज्ञान देते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो बच्चे स्वयं कहते हैं कि नहीं, बोलने से हम नहीं बदल सकते हैं, यदि हम आप में कुछ देखेंगे तो हम स्वतः ही बदल जाएंगे। सब महसूस होता है, सचमुच हम खुद ही अनुशासित नहीं है तो हम अपने बच्चों को क्या गाइड करेंगे। ऐसे कई प्रसंग आ जाते हैं आपस में बात करते हुए, और जैसा कि इस क्लास से के बारे में मैं बोलूं या ऐसा ये मैं नई जुड़ी हूं तो मैं ये बोलूंगी कि मैं जानती हूँ योगासन, इसमें जितनी जितने तरह के कार्यक्रम होते हैं बहुत ही हमारे लिए शारीरिक मानसिक हर स्तर पर बहुत उपयोगी है, फिर भी जब नींद इतनी गहरी आती है तो लगता है अच्छा कल कर लेंगे, हर बात को हम टालते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं ये मेरे लिए कितना आवश्यक है, शरीर को स्फूर्ति देने के लिए, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए, किंतु फिर भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों करके हम इस चीज को टालते जाते। तो जो चीज हम खुद नहीं करते हम बच्चों को कैसे ये करें कि तुम कर। एक सिंपल सा और भी उदाहरण कह सकते हैं, सामायिक है। सामायिक जिन घरों में पेरेंट्स नहीं करते उस घर में बच्चे कभी नहीं सीख पाते। तो यही है कि नीड पर जब शासन होगा तभी हम किसी को गाइड कर सकते। तो ये आज प्रयोग करा कि मुझे अपने आप में भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, सबसे पहले आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए तभी हम कुछ आगे कर सकते। अनुपेक्षा के बारे में सुना बहुत लेकिन आज किया भी तो एक अंदर अच्छी फीलिंग भी आई और लगा ये संभव हो सकता है। तो मंजू जी आपके गाइडेंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त भी करूंगी। थैंक यू। तो अनुप्रेक्षा ये आत्मानुशासन है, हम अनुप्रेक्षा किसी भी विषय पर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी में डर अधिक है तो ये एक बात मैं और आपको सभी को समझा देना चाहूंगी, ये जो शब्दावली बोली जाती है अनुचिंतन करने के लिए, तो ये शब्द है क्योंकि आम जनरल सबको जब हम करवा रहे हैं
लेकिन जब आप अपने स्तर पर अनुपेक्षा करें तो आप उस चीज को विजुअलाइज करें, उन बातों को जहां आप स्वयं अनुशासित नहीं रह, तो जब वहां आपका अनुशासन नहीं रहता है तब आपको क्या रिजल्ट मिला उसका, बिल्कुल ये आपको पता होता है, अनुभव रहता है। ये शब्द जनरल है कि हम सबको करवा रहे हैं, हमने शब्द चुन लिए, गुरुदेव ने ये शब्दावली दी हमें, लेकिन जब हम स्वयं के लिए आत्मानुशासन की अनुपेक्षा करें तो हमें ये पता है कि कौन सी ऐसा समय है, कौन सी घटना है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां हम अनुशासन नहीं रख पा, तो हमें उस सिचुएशन को आंखों के आगे लाना है और अनुचिंतन करना है कि ये सिचुएशन ऐसी थी, मैंने अनुशासन खो दिया, तो मुझे उसका क्या परिणाम मिला। अगर मैं अनुशासन मेंटेन कर पाती तो उसका क्या परिणाम हो सकता, बिल्कुल उसको अनुचिंतन करेंगे और अनुचिंतन करते करते अनुभव करेंगे कि क्या होता अगर मैं वैसा रिएक्ट न करूं, या उस सिचुएशन को भी विजुअलाइज करिए जब ऐसी परिस्थिति आई जहां अपने अपने आत्मानुशासन को नहीं खोया, बिल्कुल नियंत्रण में रहे, नियमों का पालन किया, और वहां आपको क्या रिजल्ट मिले। साथ ही साथ आत्मानुशासन में हम दूसरों के नियमों को भी हमें चलना होता है, जैसे ट्रैफिक रूल्स है, सिंपल, लेकिन क्या करते हैं हम, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है क्या फर्क पड़ता है, चलो, लेकिन गवर्नमेंट हमसे भी तेज निकली, उसने कैमरे लगा दिए, है ना, कैमरे कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं तो क्या होता है, हर जाना देना ही पड़ता है ना, बिल्कुल। तो उसी तरह आप समझिए, भीतर की आंख आपको देख रही है, या जो परमात्मा में बिलीव करते हैं कि ऊपर ईश्वर है तो वो आपको देख रहा है, तो ऑलवेज फील की थर्ड आई है, चाहे ईश्वर है या आपके अपने भीतर की आत्मा है, किसी भी रूप में उसे मानिए, उस तीसरी आंख को अगर आप मानेंगे कि है और देख रही है, तो ये आत्मानुशासन आई होप कि धीरे धीरे और डेवलप होना शुरू हो जाएगा, चाहे ईश्वर पे हो चाहे स्वयं की आत्मा पे हो। तो इस तीसरी आंख को हमेशा अपने साथ पाइए और अपने आत्मानुशासन को धीरे धीरे और पुष्ट करिए, यही मंगल भावना करूंगी। तो चलिए, अब समय की अपनी सीमा है, आज के इस सत्र को हम समाप्त करने की ओर जा रहे हैं, तो सभी मंगल भावना करेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए, पूरी तन्मयता और एकाग्रता। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना ही, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। सभी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे तीन बार, कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, के प्रति आभारी, कृतज्ञोऽस्मि हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी, कृतज्ञोऽस्मि हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी का जीवन मंगलमय हो, शांतिमय हो, समृद्धिमय हो, सफलतामय हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर रहे, अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी शुभ भावना के साथ। ओम शांति शांति शांति। मंजू जी का और सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह स्वयं कार्यक्रम से जुड़े और औरों को भी प्रेरित करें। अभी योगा का भी क्लास हो ले, बस अभी योगा भी करते हैं तो एक दिन योगा एक दिन मेडिटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा उपक्रम चल रहा है आनंदमल जी भाई साहब, अलका जी बहुत सुंदर, और सुचिता जी भी रेगुलर जुड़ती हैं। तो आप भी जुड़े, औरों को जोड़े, और जो नए लोग जुड़े हैं उन्हीं को भी बहुत बहुत वेलकम, और लोगों को प्रेरित करें। देखिए सब बहुत ही अच्छे भावों के साथ निस्वार्थ भावना से कहते हैं कि ये कार्यक्रम सालों से चल रहा है निरंतर बिना रुके हुए। तो आप सभी का सहयोग, आप सभी की इच्छा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। मीटिंग को एंड कर दे मंजू जी, सभी को जय जी ने।